वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल गुप्ता ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे साइंस का टॉप 25 क्वेश्चंस जो ग्रुप डी और NTPC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। देखिए इस क्रम में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवर्त वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। जैसा आप लोगों को पता होगा कि आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में पूर्ण अक्रिय गैस होता है। उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा सेल क्या होता है, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है दिया गया प्रतीक दैष्ट तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें क्या होता है कि एक ही क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, इसमें एक सेल में एक ही, इसलिए हाइड्रोजन को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में 32 तत्व हैं। यहाँ है कि सिक्स आवर्त में 32 तत्व हैं। अगर बोल दे कि फर्स्ट में कितना है, तो फर्स्ट में 2 है, सेकंड में कितना है, तो सेकंड में 8 है, थर्ड में कितना है, थर्ड में भी 8 है, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, ठीक है, और सिक्स में हो जाएगा 32। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने 32 तत्व हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं। ठीक है, इसमें हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मुकुलन। ठीक है, मुकुलन द्वारा क्या करता है, जीव एक अलग क्या करता है, अपना जीव बना लेता है। जब क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स को कट करके अलग करके बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा क्या हम दूरी को मापा जाता है, अभी तक कितना बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, और हम बताए थे 1.1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, मतलब एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10^-12 किलोमीटर। ठीक है, 10^12 किलोमीटर होता है। ठीक है, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, 5 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाए, तो तार में नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे होता क्या है, रेसिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के। ठीक है, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जब यहाँ 5 प्रतिरोध को क्या करते हैं, डबल कर देंगे, इसका हो जाएगा, इसका आंसर 1.25। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए मिल जाएगा आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन है, हाइड्रा स्टारफिश प्लैनेरिया निम्नलिखित से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए है विखंडन, ऑप्शन बी है मुकुलन, ऑप्शन सी बीजाणु द्वारा जनन, ऑप्शन डी है पुनर्जनन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्जनन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा तो पता है, स्टैटिक एनर्जी किसमें होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसमें स्टैटिक एनर्जी होता है। अब यहाँ देखिए, कोई आदमी हथौड़ा उठा के रखा हुआ है तो उसमें क्या होगी, उसमें स्थितिज ऊर्जा ही होगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चलती गोली में क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा होगा, बहने वाली हवा में भी गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, एक लुढ़कता हुआ पत्थर में भी गतिज ऊर्जा होगा, सिर्फ क्या होगा, वो थोड़ा उठाया हुआ थोड़ा में ही स्थितिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आर्किमिडीज का सिद्धांत पहले ये बताया, आर्किमिडीज सिद्धांत लगता कहाँ है, आर्किमिडीज का सिद्धांत वहाँ लागू होता है, मान लीजिए कि पानी में कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब हम डुबाते हैं तो बोलते हैं कि ये पानी जो इस पर फोर्स लगाती है नीचे से ऊपर की तरफ, ये क्या करता है, ऊपर से ऑब्जेक्ट जो बल लगता है उसके दोनों के बराबर होते हैं। वस्तु जो पानी पर बल लगाया वो, मतलब इधर से जो बल लगता है वो और नीचे से जो बल लगता है वो, दोनों क्या होता है, जब इक्वल होता है तब क्या करता है, ऑब्जेक्ट पानी में डूबता नहीं है। अगर यही है कि ऑब्जेक्ट जो हम पानी में डाल रहे हैं उसका भार क्या होगा, पानी के भार मतलब बल से ज़्यादा हो जाता है तो ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाता है। जिस तरह हम देखते हैं हम ये क्या करते हैं कि पानी में पत्थर को डालते हैं क्या करता है, डूब जाता है, लेकिन वह क्या करता है, अगर हम प्लास्टिक को डाल दें तो वो नहीं डूबता है। ठीक है,
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑडोमीटर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की ऐसा इकाइयां समान होती है। तो सबको पता है कि कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है कार्य और ऐसा का ऊर्जा का ऐसा मात्रक। तो अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 12 के जो द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर, इसका वस्तु की स्थिति ऊर्जा 480 जूल है, तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें, जहाँ पे जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम जानते हैं कि स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, स्थिति ऊर्जा बराबर होता है mgh। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ 480 जूल दिया हुआ है। देखिए हम पेन को पतला कर लेते हैं, 480 जूल क्या कर लेंगे, यहाँ पे मास दिया हुआ है 12। ठीक है, जी दिया हुआ है 10, और h निकालना है तो h बराबर हो जाएगा कितना, अगर हम डायरेक्ट, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, मतलब h का मान कितना हो जाएगा, h डायरेक्ट निकाले तो h बराबर हो जाएगा 4, 4 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह डैश से संबंधित है। ठीक है, यह डैश से संबंधित है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब आवर्त नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि हम बताए हुए थे कि पहले आवर्त में कितना होता है, 2 होता है, दूसरा में 8 होता है और तीसरा में 8 होता है। तो मान लीजिए 2 और 8 तो वैकेंट पूरा हो जाएगा, लेकिन तीसरा में क्या हो जाएगा, तीसरा में चल जाएगा आवर्त में और 16वां समूह हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा इधर 10, 2, 12 और 4, 16, 4 एलिमेंट को इधर जब जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 16वां समूह हो जाएगा, यानी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 13 है, हमारे शरीर में हड्डियों के कौन से ऊतक पाए जाते हैं। हड्डियों में जो होता है संयोजी ऊतक पाया जाता है, हड्डियों में संयोजी ऊतक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 14 है, हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है। स्नायु बंध हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक सोलर सेल किसका बना होता है। सोलर सेल जो होता है सिलिकॉन से मेनली बना होता है। अगर बोल दे कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप को, तो शुद्धतम रूप हो जाएगा हीरा। अगर अपर रूप पूछा जाए तो अपर रूप में हीरा हो जाएगा, अगर साथ साथ ग्रेफाइट भी होगा। ठीक है, अपर रूप में और नया तीसरा खोजा और गया है बकमिंस्टर फ्लोरीन या फ्लोरीन उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है सोलह नंबर क्वेश्चन है, दिया गया चिन्ह एक विद्युत घटक का प्रतिनिधित्व करता है जो है। ठीक है, मतलब ये चिन्ह जो दिया गया है यह क्या चीज को शो करता है, ये हो जाएगा धारा नियंत्रक है, ये चिन्ह जो है धारा नियंत्रक को शो करता है। क्वेश्चन नंबर सत्रह है, किसी दिए गए समय में जमीन से ऊपर उड़ रहे रॉकेट की ऊंचाई मापने का सूत्र ये दिया गया है, 30 सेकंड प्रक्षेपित के बाद उसके ऊपर जाने में लगा समय h = t है, h तो समय, भूतल से रॉकेट की ऊंचाई, जमीन से टकराते समय रॉकेट का ऊंचाई 0 थी, प्रक्षेपण के कितने समय बाद रॉकेट जमीन से टकराएगी। तो ऑटोमेटिक देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D सही आंसर हो जाएगा, मतलब 17 सेकंड के बाद रॉकेट जाके टकरा जाएगा। ओके, चूंकि हम जब 119 को 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अठारह नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति में क्या कमी होती है, तो इसकी गति होता है कम हो जाता है। जब सघन से विरल में प्रवेश करेगा तो गति बढ़ जाएगा। ठीक है, यही उल्टा रहता है कि अगर मान लीजिए सघन से विरल में गया तो गति बढ़ जाएगा, वो यहाँ पर गति बढ़ जाता, लेकिन क्या कि विरल से सघन में जब जाता है तो गति कम हो जाता है। ओके, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी होता है, मतलब किस अभिक्रिया द्वारा ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। एच डी
SO4 का जल में घुलना, H2SO4 का जल में घुलना क्या होता है, ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, हम बताए हुए थे 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 × 10^6 जूल के, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही हो जाएगा बी हमारे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, जी का ऐसा इकाई त्वरण की ऐसा इकाई का बराबर है जो कि है, हम बताए थे कि जी इज इक्वल टू होता है ए, जी जो होता है ए के बराबर होता है, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बाईस है, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त का मात्रा 6.8 लीटर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल रक्त ही श्वेत प्रवाहित संयोजी उत्तक है, यह गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, बड़े परमाणु तत्वों वाले के बंध बने बंध होते हैं, बहुत कमजोर बंध बने होते हैं, जब बड़े परमाणु कोई होता है तो उसका बंध जो होता है बहुत कमजोर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव का विषुवत रेखा पर क्रमशः WP WE है, यदि पृथ्वी के घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन ये है, निम्न से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, देखिए कैल्शियम में क्या होता है, कैल्शियम में CA लिखते हैं CA, तांबा में क्या लिखते हैं CU, कैलोरियम में CL, लेकिन कार्बन में क्या होता है कि C लिखते हैं, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ओके, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।